हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट ईच प्रिंटेड एज स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकंड। व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फोर रिस्पॉन्सेज। सो स्टेटमेंट वन सेड द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल द रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर देन दैट ऑफ एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर और साथ में हमारे पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो क्या ज्यादा है किससे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमें बोल रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस स्टेटमेंट की, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। जो हमारी एनर्जी होती है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है। वो कैसे ज्यादा होती है, क्योंकि जो हमारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं ऑफ अ मॉलिक्यूल आर नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल मॉलिक्यूल। जो भी हमारा रियल मॉलिक्यूल होता है, वो उसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होती जो हमारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो एनर्जी होगी वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की ज्यादा होगी। अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करूं, एग्जांपल लूं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल लूं, तो हम बेंजीन ले सकते हैं। हमारे पास बेंजीन रिंग ये होती है, तो अगर मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, इसमें रेजोनेंस होती है ना, तो इसका बॉन्ड मैं यहाँ पे ऐसे भी शो कर सकती हूँ ना। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस है। और अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, तो हमारा एक और एग्जांपल जो अगर मैं लू, तो वो लेती हूँ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की, तो एक क्लोरीन लगा हुआ इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, ये यहाँ पे इसके पास इसके लोन पेयर है और ये यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा। तो मैं बात करिए यहाँ पे, ये यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बॉन्ड बनाऊ, ठीक है, मैं इसको ऐसे यहाँ शिफ्ट कर लेती, इजी फॉर अस। ये यहाँ शिफ्ट होगा इसके ये इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, क्लोरीन डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर ये नेगेटिव वाला यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सी एल पॉजिटिव, ये चल ही रहा है, हमारे पास यहाँ पे दो ये इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, ये सी एल पॉजिटिव, देन यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये वाले बॉन्ड यहाँ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पे। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो है ही डबल बॉन्ड, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बात करूं तो यहाँ पे ये ऐसे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे सी एल पॉजिटिव है ही। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वापस चला जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वापस से सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा सी एल, यहाँ पे ऐसे ऐसे और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो ये तो करेक्ट हो गया। अब उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या बोल रही है, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये हमें क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंस होता है एनर्जी के बीच में, एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा और जो हमारा लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये भी हमारी क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, तो वो हमें क्या बोल रहा है कि हमारी जो रेजोनेंस एनर्जी है, रेजोनेंस
एनर्जी और जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है ठीक है, जो ये होती है हमारी, ये क्या होती है अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगी, तो जो हमारी एनर्जी होती है क्या होती है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन अ मॉलिक्यूल, बिटवीन अ मॉलिक्यूल एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड इट्स लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये हमारी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होता है, ये रेजोनेंस एनर्जी होती है और इससे हमारी क्या होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारे यहाँ से ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।